हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन उन ट्रिक से सॉल्व करेंगे जो आपने कभी नहीं किए होंगे। आज मैं आपको एक क्वेश्चन 8 तरीकों से करके दिखाऊंगा। तो हम पहला मेथड यूज करेंगे जो कि आपका ट्रेडिशनल मेथड है, जिसमें आपको प्रिंसिपल दिया होगा। आप हम कुछ भी मान लेते हैं, जैसे 1000, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 10%, आपको टाइम दे रखा है 3 ईयर। अब आपको वो बोलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए और अमाउंट फाइंड करने के लिए। अब ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग हम चाहें तो उसका फॉर्मूला है अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर टाइम। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आएगा 1000 + 10/100/3, जिससे हमारी वैल्यू आएगी अमाउंट की, वो आएगी 1331। अब हमारा अमाउंट पता चल गया। अब हम इससे CI निकालेंगे जो कि निकलेगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जो कि आएगा आपका 331। अब मैं अपने एक पर्सनल सलाह दूं तो कभी भी पेपर में, अगर आपको पेपर निकालना है, ये वाला मेथड सॉल्व ना करें। अब हम आते हैं अपनी सबसे पहली ट्रिक पे, ट्रिक 1। सबसे पहले मैं ये ट्रिक बता रहा हूं, आपको हमेशा या तो 3 ईयर्स या इससे कम ईयर्स अगर आपको क्वेश्चन में दिए हो तभी ये ट्रिक अप्लाई करें, वरना ये ट्रिक मत अप्लाई करें। इसमें क्या है, इसका फॉर्मूला है अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 100 + r1/100 × 100 + r2/100 + r3/100। अब हमने ये r1 r2 r3 इसलिए लिए हैं क्योंकि हमें टाइम 3 ईयर्स गिवन है। अगर हमें टाइम 2 ईयर्स गिवन होता तो हम ये r2 तक ही लेते। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 1000 × 110/100 × 110/100 × 110/100। अगर हम इसमें 0000000000 सब जीरो को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 11 × 11 × 11, जो आपको अमाउंट देगा 1331। अब आप अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो आपके पास CI आ जाएगा, जो आएगा आपका 331। अब हम आते हैं अपनी ट्रिक 2 पे। इसमें हम रेट ऑफ इंटरेस्ट का यूज करेंगे। 10% आपको दिया होगा, जिसको हमें चेंज करना है 1 + 10/100। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11/10। अब हम इस 11 को अपना अमाउंट कंसीडर करेंगे और इस 10 को हम अपना प्रिंसिपल कंसीडर करेंगे। अब इसमें हमने प्रिंसिपल यहां पे लिखा 1000, यहां पे हम अपना अमाउंट लिखेंगे, फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल 10% इस पे रेट लगा और वो रेशियो दे रखा है आपको 11 अमाउंट का। अब मैं इसमें 10 में कितना मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को अपना प्रिंसिपल वैल्यू मिल जाएगी,
तो मैं इस पर मल्टीप्लाई करूंगा आपका 100 का, तो 100 इंटू 10 इक्वल्स टू 1000 जो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू आएगी। अगर मैं यही 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरा अमाउंट आ जाएगा सेकेंड ईयर के लिए। अब मैं सेकेंड ईयर में इसको प्रिंसिपल मानूंगा, ये होगा 10%। अब मेरे को थर्ड ईयर का निकालना है अमाउंट, वहां पे मैं रखूंगा 11। अब मैं 10 में क्या मल्टीप्लाई करूं जो मेरा 1100 आ जाए, तो उसका भी आंसर 110। अब मैं इसी तरीके से 110 इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो वो आ जाएगा आपका 1210, ये जो आपका सेकेंड ईयर। फिर अब मैं इसको दोबारा 10:11 में लेके जाऊंगा, इसमें मैंने कितना मल्टीप्लाई किया, इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया 121, तब मेरी वैल्यू आ गई 1210। अब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 121, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 1331, जो कि आपका इक्वल है अमाउंट फॉर 3 ईयर। अब हमने इसको सॉल्व किया है आपके रेशियो मेथड से। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया फर्स्ट ईयर का, ये सेकेंड ईयर का, ये आपका आ गया थर्ड ईयर। अब आपके पास अमाउंट है 1331, प्रिंसिपल है 1000, तब आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं जो कि आपका आ जाएगा 331। अब हम आते हैं अपनी ट्रिक नंबर थर्ड पे। इसमें मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को 20% कर दिया है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट से ये वाला क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल और बहुत इजी हो जाएगा। अब 20% को अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करूं तो 20/100 विच इज इक्वल टू 1/5। अब इसमें मैं क्या करूंगा, इस वाले 5 को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दूंगा 5 5 5। अब मैंने ये 3 बार इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे मेरे को टाइम 3 इयर्स दे रखा है। अगर ये 2 इयर्स दे रखा होता तो यहाँ पे मैं बस 2 टाइम्स लिखता। अब मेरे को यहाँ पे राइट हैंड साइड वाली एक वैल्यू चाहिए होगी जो मैं इन दोनों को प्लस करके लिख दूंगा, जो कि आएगा 6 6 6। अब मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहां पे आ जाएगा आपका 125, यहां पे आ जाएगा आपका 216। अब इस 125 को मैं हमेशा प्रिंसिपल ही कंसीडर करूंगा, इसको मैं हमेशा अमाउंट कंसीडर करूंगा, और इन दोनों के डिफरेंस को मैं हमेशा CI कंसीडर करूंगा। अब अकॉर्डिंग टू दिस 125 इज इक्वल्स टू 1000, देन 1 पार्ट इज इक्वल्स टू 1000 डिवाइडेड बाय 125 which is equals to 8। अब मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो इन दोनों का डिफरेंस है जो आएगा वो आएगा आपका 91। अब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, आपका 1 पार्ट 8 के इक्वल है तो 91 पार्ट आपके 91 इंटू 8 के इक्वल होगा जो कि आएगा आपका 728। अमाउंट निकालना है जो कि हमारा 216 पार्ट है तो 216 इंटू 8 आपकी अमाउंट की वैल्यू आएगी।
फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 16,000 एट द रेट ऑफ 5% फॉर 3 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली। इसमें आपको प्रिंसिपल दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, टाइम दे रखा है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। फिर आपका सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 6,000 एट 6% फॉर 1.5 ईयर कंपाउंड एनुअली। जिसमें भी आपको प्रिंसिपल दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, टाइम दे रखा है और आपको अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। सो फ्रेंड्स, यह आपके पास दो क्वेश्चन है जो आपको इन ट्रिक्स से सॉल्व करने हैं। बाकी के 4 ट्रिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड फॉर एनी क्वेरी मेल अस एट info@liveviya.com. Thank you for watching us and please subscribe us.